आइए देखते हैं अयोध्या जी में बन रहे राम मंदिर में कितना काम हुआ है। जनवरी में 21 से 24 तारीख के बीच इसका उद्घाटन होगा और इसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या के अलावा पूरे देश में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। इनफैक्ट राम मंदिर के खुशी में पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन और इसके उद्घाटन को लेकर चल रही तैयारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है अयोध्या जी में निर्माणाधीन राम मंदिर। मुख्य मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा बनेगा और बनने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मुख्य मंदिर 3 फ्लोर का होगा लेकिन ग्राउंड फ्लोर के कंप्लीट होने पर रामलला इसमें विराजमान हो जाएंगे और ऊपर के फ्लोर का निर्माण कार्य चलता ही रहेगा। अभी ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट होने वाला है और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए इन सीढ़ियों से मंदिर में प्रवेश होगा और इन सीढ़ियों की चौड़ाई लगभग 16 फीट है। प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक 5 मंडप बनाया जा रहा है जिसमें कीर्तन और प्रार्थना की जाएगी। इन सभी मंडप के शिखर को नागर शैली में सजाया जा रहा है। गर्भगृह का शिखर सबसे ऊंचा होगा और सबसे सुंदर भी। गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। लगभग 10 एकड़ एरिया में मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही लगभग 57 एकड़ एरिया में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें प्रेयर हॉल, लेक्चर हॉल और एजुकेशनल फैसिलिटी के साथ साथ म्यूजियम और कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। मंदिर तैयार होने पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे जिसके लिए अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सहित मंदिर के आसपास के सभी सड़कों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है जिसके बारे में इन सभी वीडियोस में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। अनुमान है कि जनवरी 2024 में जब मंदिर का उद्घाटन होगा तब 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अयोध्या आएंगे क्योंकि ये उत्सव अनोखा होगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है इसीलिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। मंदिर के उद्घाटन में अभी भी लगभग 4 से 5 महीने का समय है लेकिन अयोध्या के सारे होटल्स और रेस्ट रूम अभी से ही बुक हो गए हैं। अयोध्या की जनसंख्या 1 लाख से भी कम है इसीलिए अगर 5 लाख लोग इस शहर में आ जाएं तो शहर की कैसी स्थिति होगी ये सोचने वाली बात है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन एक मेगा इवेंट होगा। इसमें प्रधानमंत्री सहित वीवीआईपीज की एक काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। वैसे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही 50,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है इसीलिए 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। तो इसके लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट भी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। कई सारी एनजीओ भी इसमें आगे आ रही है। अयोध्या में उस समय काफ़ी सारे टेंट सिटी बनाए जाएंगे, कई जगह पर भंडारे का आयोजन होगा और इसके साथ ही पूरे अयोध्या में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। अयोध्या में तो मेगा इवेंट होगा ही, इसके साथ ही पूरे देश में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और सभी मंदिरों में पूजा पाठ किया जाएगा और इसे श्रीराम के अयोध्या वापसी के तौर पर देखा जाएगा। बीएचपी के अनुसार देश में रहने वाले सभी धर्म के लोग किसी न किसी रूप में हिंदू रहे हैं और सबकी पहचान है भगवान श्रीराम से, इसीलिए सभी धर्म के लोगों को इस मुहिम में जुड़ने की अपील की जाएगी। तो ये तो हो गई मंदिर के उद्घाटन की बात। चलिए अब देखते हैं मंदिर से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य ऑफिशियली तो 5 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था लेकिन एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क उससे लगभग 6 महीने पहले यानी कि मार्च 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 25 मार्च 2020 को ही रामलला को अस्थायी टेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि पिछले 3 साल और 5 महीने से भी अधिक समय से राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन 1988 में ही तैयार किया गया था
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से लगभग 30 साल पहले ही इसका डिजाइन फाइनल हो गया था। हालांकि इसमें माइनर सा चेंज करके 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया। राम मंदिर का डिजाइन बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों के द्वारा। मंदिर का कंस्ट्रक्शन L&T कर रही है और इसके साथ ही TCS और भारत सरकार के कई सारे संस्थान जैसे कि CBRI और इसरो और इसके साथ ही IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT गुवाहाटी की भी हेल्प ली गई है मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। सबसे मुश्किल था इस मंदिर का फाउंडेशन यानी कि बेस को तैयार करना, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मंदिर का ज्यादातर काम कंप्लीट हो गया है और अगले साल जनवरी में ही 21 से 24 तारीख के बीच इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये उद्घाटन समारोह एक सप्ताह तक चलेगा और पूरे देश में इसे दिवाली की तरह मनाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अयोध्या और राम मंदिर से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।